हेलो बीबल, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप एकदम ठीक होंगे, अपने घरों पे होंगे, सेफ एंड साउंड होंगे। आज ये वीडियो बनाने का एक बड़ा स्पेसिफिक पर्पस है मेरा, तो आई जस्ट होप कि मैं आपको वो जो स्पेसिफिक पर्पस है वो मैं पूरा कर पाऊँ, और एक मकसद है वो चीज़ मैं अच्छे से अचीव कर पाऊँ। वट इज़ हैपनिंग अराउंड द ग्लोब राइट नाउ इज़ वी आर ऑल फाइटिंग अगेंस्ट कोरोना, और कोरोना ने हर एक चीज़ पर बहुत इम्पैक्ट किया है। हर एक चीज़ से मेरा मतलब है इकोनॉमी पर इम्पैक्ट हुआ है, उसके अलावा जो पढ़ाई है बच्चों की उस पर इम्पैक्ट हुआ है, हर पॉसिबल तरीके से हर एक चीज़ के ऊपर इसका इम्पैक्ट हुआ है। तो सबसे प्राइमरी चीज़ तो हमारी रहती है कि कोरोना से हम खुद को और हमारे चाहने वालों को, जिन लोगों के साथ हम रहते हैं उन सबको कैसे प्रोटेक्ट करके रख सकें। तो आई थिंक गवर्नमेंट इज़ वर्किंग इन अ कमेंडेबल वे इन दैट डायरेक्शन। गवर्नमेंट बहुत अच्छे से काम कर रही है, गवर्नमेंट इज़ मेकिंग श्योर कि वो चीज़ जितने बेस्ट पॉसिबल तरीके से कंट्रोल की जा सके की जा रही है। अब नाउ आई एम हियर टू प्ले माई पार्ट कि मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ऑफ कोर्स जो स्टूडेंट्स पुणे, मुंबई, दिल्ली ऐसी सिटीज़ में पढ़ रहे थे, उनके क्लासेस में एकदम से लीव हो गई है, बट उन बच्चों को इतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। जैसे कि इंस्पायर के बच्चे हैं, तो इंस्पायर के बच्चे भी घर पर हैं, लेकिन उनको इतनी प्रॉब्लम इसलिए नहीं आ रही है बिकॉज ऑल ऑफ द टीचर्स एट इंस्पायर वी हैव गॉट द एंटायर सेटअप फॉर वीडियो रिकॉर्डिंग। तो ये सेटअप की वजह से वी आर रिकॉर्डिंग द लेक्चर एंड वी गिविंग द लेक्चर टू द स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स घर पर लेक्चर देख पा रहे हैं। उसका कारण ये है कि हमें ये पता नहीं है कि ये एग्जैक्टली ख़त्म कब होगा। ये 31 मार्च को भी खत्म हो सकता है, और ये चाहिए तो और 15 अप्रैल भी जा सकता है और आगे जा सकता है। सो नोबडी एग्जैक्टली नोज कि कब खत्म होगा, तो उसको हम एक ब्रेक मान नहीं सकते फ्रॉम पढ़ाई लुकआउट। तो जो बड़ी सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं उनको इतना प्रॉब्लम नहीं आ रहा है बिकॉज उनकी अकेडमीज रिकॉर्डिंग कर करके उनको टाइम टू टाइम भेज रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम इतना बड़ा मेजर नहीं है उनके लिए। बट सबसे बड़ा जो मुझे टीम से इनपुट मिला कि जो अभी ये स्टार्ट होने के बाद, कोरोना स्टार्ट होने के बाद में जो छोटी छोटी सिटीज़ हैं वहाँ से बच्चों के कॉल आ रहे थे इनको, दैट दे वॉन्ट सर्टन टॉपिक वाइज लेक्चर्स। बिकॉज पॉसिबल चीज़ जो टीम को समझ में आई है कि हंड्रेड एंड स्टूडेंट्स के साथ ऑल ओवर इंडिया क्या हुआ कि उनके क्लासेस चल रहे थे एंड सडनली वो क्लासेस में ब्रेक आ गया, एंड जहाँ पर ये वीडियो रिकॉर्डिंग एंड इन सब का सेटअप का ऑप्शन नहीं है वहाँ पर इट इज़ एक्चुअली अ ब्रेक। बच्चे घर बैठे हैं और उनकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो पा रही है, एंड दो स्टूडेंट्स आर इन अ पैनिक स्टेट कि अब हम क्या करें बिकॉज हमारे लिए पढ़ाई तो कंप्लीट नहीं हो रही है, एंड नाउ दे आर लुकिंग फॉर लेक्चर्स और समथिंग एल्स और समथिंग एल्स एंड समथिंग एल्स ऐसा। एंड उसको लेके बहुत सारी इंक्वायरीज थी, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ इंक्वायरीज थी जिनको पूरी टीम ने होल्ड करके रखा था। द इंक्वायरी वॉज विद रिस्पेक्ट टू दे वॉन्टेड टॉपिक वाइज लेक्चर्स, एंड ऑफकोर्स मेरे लेक्चर्स टॉपिक वाइज अवेलेबल नहीं होते, एंड उनमें से फिर कुछ बच्चे सारे लेक्चर्स के लिए फिर सोच रहे थे, बट दैट ऑल्सो आई बिलीव डज नॉट मेक अ लॉट ऑफ सेंस बिकॉज आपका सब्सटेंशियल कोर्स कहीं पर हो चुका है। सो उन बच्चों के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, I have decided, I had a word with the entire team, and what I have decided is, मेरे जो lectures हैं company law के मेरे सारे lectures जो हैं वो सारे lectures में for a period of 15 days I'll keep all the lectures open। जो बच्चे ऐसी cities में हैं जहाँ पर उनके पास में viable means नहीं हो रहा है syllabus complete करने का, वो इन lectures से अपने syllabus complete कर सकते हैं। तो इन लेक्चर्स से आपके जो भी रिस्पेक्टिव टॉपिक्स हैं वो रिस्पेक्टिव टॉपिक्स आप देख के अपने लेक्चर्स कंप्लीट कर सकते हैं। आपको क्या मिलेगा, आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, साथ में आपको एक शेड्यूल शीट मिलेगी जिसके अंदर एग्जैक्टली लिखा होगा कौन से लेक्चर में कौन सा टॉपिक है। सो देन यू विल बी एबल टू कंप्लीट द एंटायर जो भी आपका पेंडिंग वर्क है दैट यू विल बी एबल टू कंप्लीट। माय एंटायर कंपनी का जो वीडियो लेक्चर का ड्यूरेशन होता है दैट इज समवेयर अराउंड 150 आवर्स। तो ऑफकोर्स कोई एक स्टूडेंट अगर सारे देखना चाहे वो इम्पॉसिबल, देखेगा भी मत, फिर आप अपने 15 दिन बिगाड़ लेंगे। मेरा कहना है कि जो ऐसे बच्चे हैं जो कि स्मॉल टाउन में रह रहे हैं, छोटी सिटी या फिर गांव में पढ़ रहे थे, जिनके किसी कारण से ऐसा हो गया कि अब लेक्चर्स कंप्लीट नहीं हो पा रहे, एंड अकेडमी आप समझिए जिन बच्चों का जून अटेम्प्ट है और अभी हो गया, पता नहीं कब शुरू होगा, और फिर अगर सिलेबस कंप्लीट होगा और फिर जाके वो एग्जाम देंगे, तो उनके लिए बहुत ट्रबलसम हो जाता। एंड दैट इज़ वाई आई एम डूइंग दिस स्मॉल इनिशिएटिव फ्रॉम माई पार्ट कि फ्रॉम टुडे 21 मार्च से आप 15 डेज काउंट कर लीजिए, आपको समवेयर अराउंड, मैं अभी डेडलाइन दे देता हूँ, 4th अप्रैल को रात को 10 बजे तक ये लेक्चर्स वैलिड रहेंगे। 4th अप्रैल रात को 10 बजे तक ये लेक्चर्स वैलिड रहेंगे। अब अगर उन लेक्चर्स को आप आज सब्सक्राइब करके आज देखना शुरू करते हैं तो आपके पास 15 डेज हैं। अगर आप 1st अप्रैल को स्टार्ट करते हो आपके पास 4 ही दिन रहेंगे बिकॉज वी ऑल्सो हैव सर्टन रिस्ट्रिक्शंस बिकॉज आर वर्चुअल लेक्चर्स आर प्लेड एट वेरियस सेंटर्स, आर वर्चुअल पेन ड्राइव्स आर अवेलेबल, सो वी ऑल्सो हैव सर्टन रिस्ट्रिक्शंस। सो आई हैव मेड अ नाइस प्लान कि आपको किस तरह से मैं बेस्ट तरीके से हेल्प कर पाऊँ, और ये प्रोबेबली इज द बेस्ट वे आई कैन। सो 15 डेज के लिए ऑल द लेक्चर्स वुड बी अवेलेबल इन ओपन फॉर्मेट, आप कोई भी लेक्चर देख सकते हैं। अब लेक्चर आप कैसे देख सकते हैं, तो आपके पास ऑलरेडी मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के पास में मोबाइल में एक एप्लीकेशन होगा शुभम शुक्लेचा मेंटोरशिप, जिनके पास नहीं है प्ले स्टोर से यू कैन हैव इट अप। उस एप्लीकेशन के अंदर आप स्टोर्स में जाएंगे तो यू विल सी अ प्रोडक्ट जिसका नाम होगा कोरोना, तो कोरोना करके आपका एक प्रोडक्ट ही होगा।
तो उस प्रोडक्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो उसके अंदर आपको कंपनी लॉ के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। वहाँ पे यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, बट सब्सक्रिप्शन फीस ऑफ 1 रुपीज इज चार्ज्ड। तो इंटरनेट हैंडलिंग वगैरह सब चीज़ें रहती है, सो आई गेस वो सिर्फ जस्ट टू गेट एन एक्सेस। सो यू क्लिक ऑन दैट, यू टेक एन एक्सेस एंड यू कैन हैव द एक्सेस ऑफ द लेक्चर्स फॉर अप टिल 4th of April। पहली चीज़। अब आपकी एक और क्वेरी आ सकती है, सर नोट्स, तो ऑफकोर्स नोट्स अवेलेबल नहीं होंगे बिकॉज पुणे के अंदर इवन कुरियर इज नॉट 100% फंक्शनल। बहुत हद तक कुरियर वाले भी काम कर रहे हैं, लेकिन आई डोंट थिंक कि मैं अननेसेसरी उस चीज़ में और एडिशन करना चाहूँगा। तो नोट्स वगैरह भी आपको कोई बाय करने की, कुछ आपको नोट्स वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। आप ये लेक्चर्स को एकदम कंफर्टेबली घर से देखिए एंड पैरेलली यू कैन यूज योर मॉड्यूल, बिकॉज नोट्स का एक बेस तो मॉड्यूल ही रहता है, तो अपने मॉड्यूल को ही बेस रखते हुए इन लेक्चर्स को देखते रहिए। तो आई बिलीव दीज लेक्चर्स आर गोइंग टू बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू पीपल एंड आई होप दिस कुड सिंपली मेक अ चेंज, कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन बच्चों ने ऑलरेडी क्लासेस की हुई है, उनके थोड़े से टॉपिक्स बाकी हैं, तो उनका नुकसान ना हो और इस तरीके से उनका बस जो सिलेबस कंप्लीशन बाकी था वो कंप्लीट हो जाए। सो दैट इज द होल एंड सोल पर्पस ऑफ दीज वीडियोस, सो आई होप दैट विल रियली हेल्प। चलिए, तो पहला तो ये एस्पेक्ट हो गया। दूसरा एस्पेक्ट ऐसा था दैट आपका, अगर मान लीजिए आपका बहुत कंफर्टेबली सिलेबस सब चीज़ें पहले से हो चुकी थी एंड यू आर इन अ पैनिक मोड विद रिस्पेक्ट टू द अमेंडमेंट्स और द रिवाइज मॉड्यूल। आपने देखा होगा मॉड्यूल रिवैम्प हो गई थी समवेयर अराउंड फरवरी एंड, तो इसकी वजह से अगर आप पैनिक में, तो ये तो बिल्कुल चिंता मत करिए, ये सारी चीज़ें जो है जो अमेंडमेंट्स वगैरह जुड़े हैं वो तो मैं मैराथन लेक्चर में कवर करने वाला हूँ। तो आप कहीं से भी पढ़े हैं, अगर यू आर वरिड अबाउट अमेंडमेंट्स और दी एडिशंस, आई एम गोना टेक केयर ऑफ इट। जो भी एग्जाम से रिलेटेड, जून अटेम्प्ट से रिलेटेड जो भी रेलेवेंट अमेंडमेंट्स रहेंगे, जो भी रेलेवेंट एडिशंस रहेंगे, वो मैं मैराथन लेक्चर के अंदर कवर करके दूंगा। सो इफ एट ऑल यू आर अ स्टूडेंट हु इज वरिड अबाउट दी अमेंडमेंट्स, द प्रॉब्लम इज सॉल्व 110%। इफ एट ऑल आपका वरी था विद रिस्पेक्ट टू योर रिमेनिंग क्लासेस, तो ऑल्सो द प्रॉब्लम इज सॉल्व। विद रिस्पेक्ट टू और आपके जो डाउट्स हो सकते हैं, सर एंड में आप लोगों का शायद से रिक्वेस्ट आ जाएगा, टीम को, टीम परेशान हो जाती है दैट आप एंड में कहते हैं कि सर 2 दिन के लिए और 4 दिन के लिए, आई एम रियली सॉरी, बिकॉज हमारे भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, उन सबको मैंने पुश करते हुए मैक्सिमम 15 डेज का रखा है। तो 4th अप्रैल रात को 10 बजे 100% वो एंड हो जाएगा। तभी मेरी दरख्वास्त रहेगी आपसे, जितना जल्दी हो सके आपके जो रिमेनिंग टॉपिक्स को देख के रैप अप कर लीजिएगा, सर आपकी पढ़ाई में आगे हिंड्रेंस ना आए। ओके, that'll be all from my end. Thank you so much.